बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनका मेन मोटिव यही है कि वो आत्मनिर्भर बने, अपना खुद से स्ट्रांग रहे। और लेडीज़ के लिए तो आपको पता ही है कि दुनिया भर की स्कीम्स उन्होंने निकाली है, ठीक है। तो अपना मैडम से मिल लीजिएगा, मैडम स्पेशली आपके यहाँ पे एरिया में आके मीटिंग करेगी, हम 10 की 10 लेडीज की उद्देश्य क्या है, आपको आगे इससे फायदा क्या मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी फ्री ट्रेनिंग का आपको पता ही यही है, 4 महीने का जो कोर्स आपने ट्रेन किया, जैसे आप ऐसे तो प्लेसमेंट के लिए तो मैडम आपको आप काम दिलाएगी दिलाएगी। अगर आप खुद का भी रोजगार स्टार्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कोर्स से मिलो। सीखने के लिए और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, इससे अपना घर का खुद का खर्चा उठा सकते हैं। अगर हमें आज के टाइम में नौकरी नहीं भी मिलती, हम खुद से इसका अच्छे से अपना बेनिफिट उठा सकते हैं, घर में रहकर काम करके अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। क्या कहेंगे? मेरा नाम सरोज है, मैं यहाँ भिवानी में मतलब की रहती हूँ, यहीं नज़दीक ही है श्री श्याम पब्लिक जो ये एरिया है, इसी एरिया के नज़दीक में रहती हूँ।
मैं मतलब कि घर पे बैठी थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने फिलहाल 1 ईयर आईटीआई डिप्लोमा ले रखा है फैशन डिजाइनिंग का, तो मुझे कुछ पता नहीं था। गवर्नमेंट मैंने भी कहीं अप्लाई किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। आजकल गवर्नमेंट की तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं मिल सकती। इसीलिए मेरे पास मतलब कि कहीं से मतलब कि पता चला यहाँ सेंटर खुल रहा है, उसमें एज ए ट्रेनर की ज़रूरत है। मैंने यहाँ अप्लाई किया, मुझे यहाँ पे मतलब कि अच्छा रिस्पांस मिला, बच्चों से भी अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत अच्छी है ये NULM, नेशनल अर्बन स्टेट की तरफ से है, नेशनल की तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ से है। आप मतलब कि बच्चों से भी मैं ये अपील करती हूँ भी आप आओ, अच्छा करो, सीखो, और सीखने को भी मिलता है यहाँ पे। मैंने भी बहुत अच्छा किया है यहाँ आके, और इन बच्चों से भी मैं अपील करती हूँ कि आप सब सीख रहे हो सीखो, और आगे जाके मेरी तरह और मतलब कि बच्चों को जो जो लेडीज़ है घर में बैठी हैं उनके लिए एक कार्य, उनके लिए काम मतलब कि जो भी है अपना घर संभाल सके ऐसा कुछ बनाए उनके आगे के लिए। ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। इसके तहत जो आज यहाँ पे जो ट्रेनिंग कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, भिवानी शहर को हरियाणा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 75 स्टूडेंट्स का टारगेट मिला था, जिसमें उनको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाना था, जो इनका अपना जुलाई में स्टार्ट हुआ था, और 5-6 शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 5-6 महीने के अंदर ये ख़त्म हो चुका था। 720 घंटे का ये कोर्स था। आज इस कोर्स की असेसमेंट थी, जो आज सभी बच्चों की सक्सेसफुली डन कर दी गई है। सर किस प्रकार शहरी आजीविका मिशन जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चलाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में, ये शहरी क्षेत्र के अंदर जिनका राशन कार्ड BPL है या जिनकी सालाना इनकम 2 लाख से कम है, ये उन सभी शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए है। इसमें जो ट्रेनिंग प्रावधान है वो 18 से लेकर 35 साल तक के बच्चे इसके अंदर लिया जाते हैं, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कोर्स करवाए जाते हैं। आज जो असेसमेंट हुई है, इसमें जितने भी बच्चे पास होंगे उसके लिए या तो वो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ही एक स्वयं रोजगार कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें 2 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी लाभार्थी है जो इच्छुक है अपना स्वयं का रोजगार चलाने के लिए, वो 2 लाख तक के लोन के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय कमरा नंबर 19 में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा स्वयं रोजगार नहीं अपनाना चाहता और खुद मतलब नौकरी वगैरह करना चाहता है, तो उसको जो एडुजन फाउंडेशन लिमिटेड है, जिनकी तरफ से आज ये कोर्स कम्प्लीट हुआ है, उनकी तरफ से इनको प्लेसमेंट भी जारी करवाई जाएगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो स्कीम है, इसमें जो लाभार्थी को लोन प्रोवाइड किया जाता है, बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर बैंक का अलग अलग है, वो अलग अलग रोजगार उसके ऊपर है कि वो किस तरह का काम करना चाहता है। जैसे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 7% लाभार्थी पे करेगा, और जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट सबवेंशन है डिपार्टमेंट क्वार्टरली उनके अकाउंट में पे करेगी। भिवानी शहर के अंदर अब तक जो स्वयं रोजगार अपना चुके हैं, अभी जैसे PM स्वनिधि स्कीम चलाई थी, इसमें हमने 1600 लोगों को, रेडी पटरी वालों को, पथ विक्रेताओं को 10-10 हज़ार का लोन मुहैया करवा चुके हैं। उसके बाद जो जैसे 10 हज़ार का जिन लोगों ने लोन क्लियर करा है, उसको 20 हज़ार के लिए हमने अप्लाई करवाया, जिसमें से हमने अपना 200 के अराउंड हम उन लोगों को लोन कराया। अगर वो जैसे ही सेकंड ट्रेंच का लोन क्लियर कर देंगे तो वो थर्ड ट्रेंच के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो 2 लाख से कम तक के लोन है, कम से कम अब तक 250 से 300 लोग हैं जो मतलब लाभार्थी इस चीज़ का लाभ ले चुके हैं। यस, मेरा नाम भारती है, मैं भिवानी के रहने वाली हूँ, और हमें जो है ये श्री श्याम पब्लिक स्कूल के अंडर में और जो केंद्रीय गवर्नमेंट है उसके तहत हमें एक फैशन डिजाइनिंग करने का बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है, ताकि हम इसको कोशिश करें कि अपना रोज़गार कर सकें, और हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। सिर्फ विशेषकर ये महिलाओं के लिए बहुत ही एक सरकार की तरफ से एक सुनहरा तोहफा है जी, ताकि हम अपना रोज़गार खुद चला सकें। और अगर सरकारी जो नौकरी होती है आज के समय में, उसका जो कंपटीशन, उसकी जो प्रतियोगिता है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है, और हम इस जो ये जो योजना है सरकार की, इस योजना के तहत हम अपना रोज़गार खुद चला सकते हैं, और ताकि महिलाओं को सक्षम बनाया जा सके, उनके लिए विशेषकर शिक्षा के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जो कि ये एक सिलाई की जो योजना है, इसका विशेषकर महिलाओं के जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। आजीविका मिशन के द्वारा जो प्रोजेक्ट आप चला रही हैं,
दीनदयाल ये सर केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है सर, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है सर। इसमें 75 यानी 75 लड़कियों को हमने ये कोर्स करवाया है। इसमें सर जो गरीब तबके की लड़की हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए ये कोर्स था। इसमें जैसे BPL के बच्चे हैं या जिनकी 2 से 2.5 लाख से कम की इनकम है, उनके लिए सर ये कोर्स था, गरीब बच्चों के लिए। इसमें हमने फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में बच्चों को सिखाया है, जैसे इसमें बच्चे खुद सक्षम हो के अपना खुद का बिजनेस कर सके या फिर अपना कहीं पे जॉब कर सके। इसलिए सर केंद्र सरकार की जो स्कीम है बहुत अच्छी है। 4 से 6 महीने का सर ये कोर्स था। आज कोर्स कंप्लीट होने के बाद इन बच्चों का टेस्ट हुआ है सर गवर्नमेंट की तरफ से ही। अब इनका सर सर्टिफिकेट मिलेगा इनको। एक सर्टिफिकेट आने के बाद सरकार की तरफ से इनको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और लोन मान लो जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं वो अपना लोन ले सकते हैं सर, और जो जॉब करना चाहते हैं, प्लेसमेंट चाहते हैं, तो उनको सब प्लेसमेंट भी करवाई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। जी सर ये बिल्कुल निःशुल्क कोर्स रहा है। इसमें सामान भी यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से मिला है बच्चों को। सेंटर पे ही सिलाई मशीन है या फिर कपड़ा है, धागे हैं, हर चीज़ सर बच्चे को यहाँ पे दी गई है। बच्चे से घर से कुछ नहीं मंगवाया गया है, एक पैसा बच्चे से दिया नहीं गया। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था।